देशातला एक उमदा नेता हरपलाय, प्रतिभावान नेता हरपलाय अशीच प्रतिक्रिया सगळ्या नागरिकांमध्ये उमटते. त्यातल्या गोव्यातल्या नागरिकांचं असं देखील म्हणणं आहे की असा नेता पुन्हा होणार नाही. त्यांच्याच प्रतिक्रिया जाणून घेऊयात. आज उनकी अंतिम दर्शन के लिए यहाँ पर भीड़ काफी संख्या में आपको दिखाई पड़ रही है. हमारे साथ कुछ लोग हैं, आप भी बताइए कि आप लोग आखिरी दर्शन करने जा रहे हैं, कैसा लग रहा है कि जिसके नेतृत्व में अब तक गोवा आगे बढ़ा अब वो नहीं रहा. बहुत दुखी हूँ और हमारे भावपूर्ण श्रद्धांजलि है मनोहर पर्रिकर को, और उन्होंने हमारे गोवा के लिए बहुत अच्छा काम किया है और ऐसा नेता मिलना बहुत मुश्किल है. और इसी की तरह का हमें यंग लोगों के लिए एक प्रेरणादायक रूप है और हम चाहते हैं कि ऐसे नेता बार बार यहाँ पे जन्म ले. थैंक यू. बिल्कुल, यहाँ पर कुछ महिलाएं भी हैं, आप भी लाइन में खड़ी हैं अंतिम दर्शन के लिए, क्या कहना चाहेंगे? हमारे गोवा के लिए ऐसा नेता और कभी नहीं मिलेगा हमको, और हम महिला लोगों को तो बहुत हेल्प हुआ इधर. बिल्कुल, यहाँ पर महिला लोगों के लिए काफी हेल्प की है इन्होंने, हमारे साथ रखी है. जिस तरीके से इनकी छवि एक साधारण व्यक्ति के तौर पर जानी जाती थी, मिलनसार व्यक्ति के तौर, अब वो नहीं रहे, गोवा को कितनी बड़ी क्षति आप मानते हैं? इनकी तो रहनी है, छोटी रहनी में रहते थे लेकिन उच्च विचारसरणी के थे, इसलिए पूरा गोवा में न भेद न भाव न जाति न पाति किसी को न, सबको एक साथ लेके जाने वाले भारतीय जनता पार्टी के पहले लीडर ऐसे हुए जो गोवा में नहीं थे, वो हमको मिल गया था, वो आधार हमसे खो गया है. बिल्कुल, तो यहाँ पर जो लोग कह रहे हैं कि लगातार मनोहर पर्रिकर आम इंसान की तरह रहते थे, मुख्यमंत्री होने के बाद भी आम लोगों की तकलीफें जानने के लिए लोगों के बीच में जाते थे और यही उनकी सबसे बड़ी खासियत थी, और जो क्षति हुई है अब ये पूरी नहीं हो सकती है. कैमरामैन राज के साथ अभिषेक पांडे, गोवा, News18 India. आपण होते अंत्यदर्शनासाठी. मोठ्या प्रमाणात गर्दी झालेली आहे कला अकादमीमध्ये, गोव्यातल्या कला अकादमीमध्ये त्यांचं पार्थिव आता दाखल होत आहे आणि साश्रुनयनांनी पर्रिकरांना गोवेकर निरोप देत आहेत. असा नेता होणं नाही आणि आपल्या भावना समजून घेणारा किंवा आपले प्रश्न तडीला लावणारा असा हा लोकप्रतिनिधी होता आणि म्हणूनच त्यांच्या जाण्यानं गोवेकर हळहळले आहेत.